गाइस, तो आज ना मैं एक बहुत तगड़ी गेम खेलने जा रहा हूँ और इस गेम में इतना ज्यादा खून खराबा होने वाला है कि हो सकता है ये वीडियो YouTube बाद में रिमूव कर दे, बट हाँ फिर भी मैं खेलने जा रहा हूँ। तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। फिलहाल ये थोड़ी सी व्लॉगिंग प्रैक्टिस चल रही है और व्लॉगिंग यार सच्ची में कितनी ज्यादा सिंपल खेलने जा रहे हैं गट्स एंड ग्लोरी। तो इस गेम के बारे में मुझे आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने शायद से मेरा हैप्पी व्हील्स वाला वीडियो तो देखा ही होगा। उसमें क्या होता है, हमें अलग अलग व्हीकल्स में बैठ के अलग अलग स्टेजेस कंप्लीट करने होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा खतरनाक चीजें रहती हैं। बस समझ लो ये उसी गेम का 3D वर्जन है। वेलकम गाइस टू गट्स एंड ग्लोरी, लेट्स प्ले द गेम। तो अपना स्टेज वन है अ टेरिबल ट्यूटोरियल। ओके, ट्यूटोरियल का नाम काफी ज्यादा खतरनाक रखा है। ऑल राइट, तो अपने पास दो ऑप्शंस है, जॉन एंड जिमी। वेट, ये तो एक ही बंदा है, जॉन एंड जिमी और अर्ल। हाँ, तो वैसे ये दोनों काफी ज्यादा फनी लग रहे हैं। एक अंकल है जिनकी साइकिल के पीछे उनका बेटा बैठा हुआ है और हमें इनको लेके ट्यूटोरियल कंप्लीट करना है। लेट्स गो, अपनी साइकिल को फटाफट मैं यहाँ से आगे भगाता हूँ। बाकी यार एक सेकेंड, ये यार इसके कंट्रोल्स कितने ज्यादा अजीब है। साइकिल राइट लेफ्ट तो मुड़ रही है बट ये झूल रही है पूरी की पूरी, और पीछे जो बच्चा बैठा हुआ है इसको देखो एक बार, ये भाई क्या है, ये अलग ही लचीला सा है। फिलहाल अगर मैं शिफ्ट बटन दबाऊंगा तो शायद से हम अपनी साइकिल में बहुत तेज पेडल्स मार के इसमें बूस्ट ला सकते हैं। लेट्स गो, अभी मैं काफी ज्यादा आगे आ चुका हूं और मुझे यहां से राइट टर्न लेना है, बस 10 मीटर और। यहां पर तो एक रैंप है, लेट्स गो, अपनी साइकिल को इस रैंप के ऊपर लेकर चलते हैं और यहां से मैंने इसे नीचे कूदा दिया। अगला रैंप हो रहा है, आराम से। ये क्या हुआ, बच्चा ऊपर ही गिर गया और मैं नीचे आ गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रीट्राई, लास्ट टाइम गलती होगी बट इस बारी कोई गलती नहीं होने वाली है। और ये दे दिया यू टर्न। ओ, यू टर्न नहीं, इसे बैक फ्लिप बोलते हैं, वैसे यू टर्न बोल रहा हूँ। लेट्स गो, एक मस्त मस्त जंप कराता हुआ मैं नीचे लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर भी हमने अपनी साइकिल मस्त लैंड करवा दी है। फटाफट अभी मुझे अपनी साइकिल को संभालते हुए आगे लेकर चलने। और वेट भाई, ये तो एक कटर है। बच्चे तूने मेरे साथ गलत ही आ गया, अभी हम लोग बहुत ज्यादा डेंजरस लोकेशन पर आ चुके हैं। ओह, ये क्या हो गया भाई, ये बहुत ज्यादा गलत हुआ है। मुझे अपनी साइकिल को यहां से भी निकालना होगा। मैं भी गया, मैंने कहा था एक गेम बहुत ज्यादा खून खराबे वाला होने वाला है। रीट्राई, बच्चे टेंशन मत कर, इस बारी देख मैं कैसे साइकिल निकालता हूँ। मुझे सॉरी रुक जा, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस। भगाओ, ओ फिर से बच गए, बच गए, बच गए। हाँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर साइकिल ना राइट से ले जाने के बजाय अगर मैं साइकिल लेफ्ट से निकाल दूँ तो भी काफी ज्यादा बढ़िया होगा। हम लोग नेक्स्ट चेक पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। लेट्स गो, भी मुझे यहाँ से अपनी साइकिल को लेकर ऊपर जाना है, फिर यहाँ से अपनी साइकिल को राइट। यार ओ गए, बच गए यार, कसम से ये साइकिल ना पूरी फिसल रही है, समझ ही नहीं आ रहा मैं साइकिल चला रहा हूँ या कोई एक स्केटबोर्ड चला रहा हूँ। लेट्स गो, दोबारा से मैं अपनी साइकिल लेकर ऊपर आ चुका हूँ और अभी मैं वापस नीचे जाऊँगा और गिर गए। रीट्राई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या है, मैं ब्रेक्स नहीं यूज़ कर रहा हूँ। मतलब कि अगर मैं ऐसे कहीं पर गिरने वाला हूँ और मैं ब्रेक मार दूँ तो मैं गिरने से बच जाऊँगा और मुझे अपने अबे क्या, ओ तेरी भाई, ये स्टंट्स चाहिए भाई, ये समझ रहा है। एक बारी ना आप लोग इस बच्चे को ध्यान से देखो, भाई मेरी पीठ पे लात रख के बैठा, लात हटा तेरी, ऐसे लात हटा, अब मैं टच करा दी बहुत पीटेगा। हाँ नहीं तो पीठ पे पैर कौन रखता है यार ऐसे बैठे हुए, इतनी बढ़िया सीट लगाई, रुक जा आराम से मोड़ के चढ़ाऊंगा। ओ अबे 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 अबे, अबे ये क्या हो गया, अबे ये कहाँ चले गए यार, पता नहीं, इतना सिंपल सा स्टेज मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। वेट, इस बार ना थोड़ा आराम से साइकिल चलाएंगे, प्यार से राइट मोड़ी, ओ फिर ब्रेक, फिर सीधी, अब शिफ्ट मार के सीधा ऊपर कर लेता हूँ। लेट्स गो, मार दे उड़ा, पहुंच गए, बहुत ही बढ़िया। लेट्स गो, सामने नेक्स्ट चेक, बीच में गली किसने बनाई है, अब तो पार हो गया, अब कोई नहीं रोकेगा भाई। मेरे को नहीं पता था कि वहां पर बीच में गली है, वरना मैं अपनी साइकिल बहुत तेज भगाता हुआ ले जाता, इतना भी नोब नहीं है भाई। लेट्स गो, अब तो ये पार है, अब अगर फेल हो गए गेम अनइंस्टॉल कर दूंगा। लेट्स गो, नहीं हुआ फेल। यहां से मुझे अपनी साइकिल नीचे उतारनी है और ये, अबे ये मेरे को लगा झूले लटके हैं, ये कांटा कौन लटकाता है ऐसे। बट हाँ, अच्छी बात यह है कि अपना इस वाले चेक पॉइंट से गेम कंटिन्यू है, तो मैं अपने आप को थोड़ा आराम से लेके जाने वाला हूँ नेक्स्ट चेक पॉइंट पे। लेट्स गो,
कीबोर्ड के जेड बटन से क्या होने वाला, हेडलाइट्स। अच्छा, सामने वाली गली में थोड़ा बहुत अंधेरा है इसलिए हेडलाइट्स ओपन करना। वो उतरी उतरी बच गए। अबे यार, ये कांटों के चक्कर में इतना गंदा टर्न मारना पड़ा कि मैं गिर ही गया। बट कोई नहीं, अभी मुझे पता चल चुका है कि कहां पर कांटे हैं, तो मैं इसलिए अपनी साइकिल को पहले से ही थोड़ा ना साइड रख कर ले जाऊंगा ताकि एक्सीडेंट होने के चांस एकदम कम हो। बस पहुंच गए हम लोग, लेट्स गो। यहां से मुड़ी राइट, अभी मुझे अपनी साइकिल को ऊपर लेकर जाना है फुल स्पीड में। क्या हुआ ये? वेट, मुझे ना थोड़ा सा फ्लिप नहीं करनी है, अपनी साइकिल को थोड़ा दबा के रखना है और तेजी से भगाते जाना है। ये मैं आ चुका हूँ ऊपर, थोड़ा सा ब्रेक यूज़ करके राइट मोड़ता हूँ और आराम से फिर लेट्स गो। यहाँ पर और ऊपर आ चुका हूँ, यहाँ से भी साइकिल को मोड़ा राइट। स्लो डाउन, स्पीड इजंट ऑलवेज अ सॉल्यूशन। ओके, मुझे यहाँ पर थोड़ा धीरे चलानी है फिर साइकिल, बट कोई ठीक कोई नहीं लेट्स गो। मैं तो तेज़ी भगाने वाला हूँ क्योंकि शायद से ये हमें पागल। अबे ये क्या है? बॉल कौन मार रहा है? ओ तेरी भाई, भागो। ये तो ओ तेरी, बच्चा क्या भाई, बच्चा गिर गया। मैं पार कर गया, छोड़ो बच्चा भाड़ में जाए, अपना गेम क्लियर, लेट्स गो। और हम नीचे आ गए, वाओ। चेंज ट्रैक, डे एट द पार्क, नेक्स्ट ट्रैक। ये भी हम लोग जॉन एंड जिमी से ही कंप्लीट करने वाले हैं। ऑलराइट, ये जगह भी काफी ज्यादा सिमिलर सी लग रही है। बट वेट भाई, सब सामने मशीन लगी हुई है जो कि ये कटर फेंक रही है। रुक जाओ, इसको जाने दो, फिर मैं निकलूंगा। बस ये काफी ज्यादा गलत बना रहा है यार। हाँ, बट ये इतना भी ज्यादा हार्ड नहीं था जितने ट्यूटोरियल्स में आए थे। और मुझे यहीं से घूम के जाना है वापस। ओ तेरी, अबे क्या किस्मत है, मतलब उसी टाइम पे। वेट, ये इतना ज्यादा हार्ड भी नहीं है। मुझे ना यहीं से राइट मुड़ जाना चाहिए था, तब मुझे शायद कोई प्रॉब्लम ही ना होती। बाकी अभी मुझे ये वाला चेक पॉइंट लेके यहाँ से लेफ्ट मुड़ना है, बच गया। वरना अभी फिर से जाता और तू फिर आ गया। ये जगह क्यों बनी है भाई? वेट, रुक जाओ, बहुत ज्यादा टाइमिंग देखकर मुझे यहाँ से निकलना होगा। ये आया, इसके पीछे पीछे निकल लेता हूँ। चल, वो लग गई, वो बच गई। बच्चा गिर गया, बच्चा पीछे गिर गया ना, फिट मेमोरी चेक कर लो। मैं उसे उठा नहीं, वो पीछे हो जाओ भाई, बच गया वो, सही सलामत है, ठीक है, कोई दिक्कत, पड़े रहे वहीं पे, क्या करेगा तू मेरे साथ, चल गए आगे और खतरा है, काली पीली मरेगा। वेट, यहाँ पर जाने दो, जा अबे मार। हाँ, अब ठीक है, मैं निकल रहा हूँ, अब मत अटैक करियो, बस मेरे को यहाँ से जाना है। और वो वाला कटर जा रहा है सामने को, ठीक है, तो पहले इसे जाने देते हैं, अटैक कर और रुक जा ब्रेक। अब भगा, बस हो गया, ये भी कंप्लीट। अभी एंड का होने वाला है ये, मुझे अभी, ओ फाइनली यार, ये काफी ज्यादा सिंपल स्टेज है। मुझे ना अभी तक कोई हार्ड स्टेज इसमें मिल नहीं रहा है, एक ये वाला था, इसको प्ले करके देखते हैं। खैर, ये भी काफी ज्यादा हार्ड नहीं लग रहा है। सामने एक बहुत ज्यादा खतरनाक कटर ब्लेड है जो कि ऊपर की तरफ में घूमे जा रही है। ओ, ये मेरी साइकिल का आंट के अटकी और कोई तो शायद मेरे एरो मार रहा है, लग रही हो पेट में। ओ तेरी, निकल भाई, ये कहाँ आके अटक गया मैं। वेट, रीट्राई करते हैं, इस बारी में कोई गलती नहीं करने वाला। मुझे अपनी साइकिल को ना बहुत तेज स्पीड में लेकर जाना है और यूं जंप मार के आगे बढ़ाना है। भाई उतरी, अबे नीचे हो, ये क्या? ओ भाई साहब, ये कहाँ उड़ा दिया मुझे। शायद से ये वाला स्टेज कंप्लीट करने के लिए मुझे एक अच्छा व्हीकल चाहिए होगा, इसीलिए मैं अभी अर्ल से खेलने वाला हूँ। बट एक बारी आप लोग ध्यान से देखो, इसने अपनी गाड़ी में क्या क्या रखा हुआ है, बेसबॉल बैट, शॉटगन, बियर की बोटल्स, अलग ही बंदा लग रहा है मुझे तो ये। बाकी इसको जल्दी से भगा के लेकर चलते हैं। और ये हम लोग इस जगह को पार कर चुके हैं और सामने की तरफ में काफी सारे कटर्स हैं जिन्हें देख के ही मुझे, ओ लगी, अबे तीर कौन मार रहा है, कुछ नजर नहीं आ रहा, धूल उड़ रही है इस वजह से। बाकी यहाँ पर आ चुका हूँ, मुझे अपने गाड़ी को यहाँ से लेफ्ट मोड़ना है, कटर मेरे पीछे पीछे आ रहा है। ओ गया, ये बहुत गलत था, कोई बात नहीं, रीट्राई, एक बारी मैं नेक्स्ट चेक पॉइंट तक पहुँच जाऊँ, अपना काम आधे से ज़्यादा ऐसे क्लियर हो जाएगा। भाई ये बहुत एक लिमिटेड स्पीड में लाना है मुझे, ना ज़्यादा तेज ना ज़्यादा स्लो, मैं अपनी स्पीड ना 36 के अराउंड रखता हूँ। और अभी मैं इसे क्लियर कर चुका हूँ, इस वाले कटर को भी मेरे को ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी यहाँ से आगे बढ़ना है, ये वाला हो गया क्लियर, यहाँ से भी। अबे रुक जाओ यार, ये तो पता नहीं एरो कौन मार रहा, अबे एरो मार दी ऊपर से। मुझे ना अपनी गाड़ी में ब्रेक नहीं मारनी है, मतलब इसे हल्की फुल्की स्पीड में रखना ही है, अदरवाइज वो जो ऊपर से एरो मार रहे हैं वो मेरे लग जाएगी और मैं उसी से खाली पीली मर जाऊंगा। तो अभी फटाफट से अपनी गाड़ी को भगाते। भाई अभी मेरे को ना सच्ची में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं 3 से 4 बारी इस अकेले स्टेज में फेल हो गया हूँ और मुझे इस बारी इसे करके ही रहना, कुछ भी हो जाए मैं अपनी इस बार तो गिर बहुत तेज लगती है अगर जाता तो। यहाँ से अपनी गाड़ी को भगा, हो गया, अबे निकाल, राइट, आराम से, बस क्लियर है, अंदर, एक बारी अंदर बस। यहाँ पर शायद मैं थोड़ी देर के लिए तो सेफ हूँ। और भाई ये क्या चल रहा है, इसने टक्कर दे दी ना, ओ लग गई,
मैं बोल ही रहा था इसने टक्कर दे दी और कितनी तेज आया वो और अपनी गेम एकदम शुरू से लगेगी तो वो चेक पॉइंट किस बात का था भाई, मेरे को तो यही नहीं समझ आ रहा। बट ठीक है, अभी मेरे को पता चल चुका है मुझे कैसे क्लियर करना है और इस बारी तो मैं बिल्कुल भी फेल नहीं होने वाला हूँ। लेट्स गो, ये हुआ। अरे 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 पीछे मोड़, पीछे भगा भगा भगा। लेट्स गो, ये हो गया, ये हो गया। यहाँ पर थोड़ी सी ब्रेक, आगे से राइट, फिर इस, ओ मैं तो अभी एकदम पिरो हो गया। बट हाँ, इससे थोड़ा बच के रहना, ये आया गोल घूम के। अभी मैं निकल सकता हूँ, मैं गलत आ गया गाइस, मैं गलत आ गया। पता है बीच में एक चेक पॉइंट है, वो चेक पॉइंट मुझे लेके ही आगे बढ़ना है। वेट, मैं अपनी गाड़ी को ना अच्छे से आराम से घुमा के लाऊंगा। ये थोड़ा बहुत ओपन वर्ल्ड है, ऐसा नहीं है चारों तरफ से कवर है ये गेम। लेट्स गो, यहाँ से मुझे अपनी गाड़ी को लेफ्ट मोड़ना है और एक ऐसे टाइम पर निकलना है कि वो जो गोला है वो मेरे से ना ठुके। तो जैसे ये जाएगा वैसे अपनी गाड़ी में भगाने वाला हूँ और मेरे लगेगी बहुत तेज। ओ बच गया। ओ फाइनली, क्या टाइमिंग थी मेरी, टाइमिंग अच्छी थी। पर ये क्या हुआ है भाई, सब अच्छा खासा पहुँच के नहीं पहुँच पाया मैं। बट कोई नहीं, अभी मैं आधे से ज़्यादा स्टेज वैसे क्लियर कर चुका हूँ, मुझे बस आराम से अपनी गाड़ी को ना यहाँ पर ऊपर चढ़ाना है। इस वाली गाड़ी के ना कंट्रोल्स उस व्हीकल से काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। लेट्स गो। इसने तीर मार दिया, इसका गला ना काट दूं मैं भाई। पूरा कंप्लीट करने के बाद एकदम एंड में जाके मैं मर गया यार। मैं इस बारी कंप्लीट करके रहूंगा एक बार में। अब गुस्सा चढ़ा दिया भाई, कसम से अब गुस्सा चढ़ा दिया, अब नहीं रुकने वाला मैं। वेट, एक परफेक्ट जंप लगी, यहाँ पे थोड़ा वेट करा, यहाँ से अपनी गाड़ी को नीचे उतारा। पता नहीं मैं मुड़ कैसे गया, मेरे को समझ नहीं आया। बट ठीक है, हम लोग पार कर चुके हैं वाली जगह को। यहाँ से अपनी गाड़ी लेफ्ट मोड़ी, यहाँ से अपनी, ओ बस 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 आराम से भाई, लग रही है बहुत तेज। लेट्स गो, यहाँ से मुझे अपनी गाड़ी को अंदर करना है और यहाँ से मुझे अपनी गाड़ी को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना यार, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। आराम से ये जंप लगी, यहाँ से नीचे आए, फिर यहाँ से आगे गए, ब्रेक मारी, एक हाथ गया, कोई बात नहीं, एक हाथ बचा अभी भी, एक हाथ में तो मैं चला लेता हूँ गाड़ी। ओ बचाऊँ, पता नहीं मैं कैसे बचाऊँ बट बचाऊँ। ओ लग गई, बच गया। ओ भाई बच गए। पार। ओ मैं एक हाथ में गाड़ी चला रहा हूँ, पता नहीं कैसे बट चल रही है। ये चेक पॉइंट मानेंगे ना भाई, सामने कुछ आ नहीं रहा है क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ वो चीज़। और लग गई, ओ बच गया। ये तो अल्ट्रा प्रो स्किल भाई, एक हाथ से ज़्यादा अच्छी चला रहा हूँ मैं गाड़ी का, हमसे बता रहा हूँ, ये देख रहे हो भाई। ओह बच गया, फाइनली पहुँचने वाले हैं भाई। यार ये वाली क्रॉसबो एट द एंड मार ही देती है गाइस। तो अभी ना मुझे बिल्कुल भी अपनी गाड़ी में ब्रेक नहीं मारनी है क्योंकि उस चक्कर में गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है और फिर ये जितनी भी एरोज आप देख पा रहे हो ना, ये सारी की सारी आकर मेरे लग जाएंगी तो मैं मर जाऊंगा। बाकी इस बारी मैं काफी ज्यादा अच्छे से अपनी गाड़ी को डॉच कराता हुआ पूरा आगे तक लेकर आ चुका हूँ और आधे से ज्यादा स्टेज मैंने ऐसे क्लियर कर दिया। बस ये नेक्स्ट वाला राउंड, सॉरी चेक पॉइंट भी मैंने कैप्चर कर लिया है। अब बस मुझे यहाँ से अपनी गाड़ी को धीरे धीरे लेकर आगे बढ़ना है। ब्रिज पीछे वाला टूट गया पूरा, सामने वाला रैंप अगर मैं क्रॉस कर देता हूँ तो अपना गेम ऐसी कंप्लीट हो जाता। यार मुझे लग रहा है कि इस स्टेज को कंप्लीट करने के लिए मुझे कोई ऐसा व्हीकल लाना होगा जो चारों तरफ से कवर हो। मतलब कि यार लास्ट टाइम इतने अच्छे तरीके से मैं डोज कराता हुआ इस गाड़ी को ले गया बट फिर भी जाके एट द एंड ये उसमें भिड़ी गई। बट इस बारी मैं काफ़ी अच्छे से लाया हूँ, मेरे पास दो तीर लगे हैं और ये वाला पार्ट तो मैं क्लियर कर दूंगा। यहाँ तक तो मेरा हाथ बैठ चुका है अच्छे से, ये वाला पार्ट भी मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगा। बस जंप नहीं कराना वरना ब्रिज टूट जाएगा और ब्रिज नहीं टूटा इस बारी। सामने का बस ये रैंप है, ये क्लियर हो जाए तो पार्ट, ओ साइड पहुंच गए। ओ तेरी भाई, फाइनली कर दिया। तो चलो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वाली वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी और अगर आप लोग इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना चाहते हो तो इस वीडियो पर 600K लाइक कंप्लीट कर दो और कमेंट्स में जाके अपना बेस्ट पार्ट जरूर लिखना और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।